हेलो गाइस, नॉलेज जंक्शन में 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एडवांस एक्सेल के फॉर्मेट में एशियन एस फंक्शन प्रोग्राम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आकर करेंगे, रन कमांड वाला ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल FCL, उसके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, देख सकते हैं हमारा डेटा सेव है। कोई वीडियो बनाने में काफी समय लगता है। नंबर हमें क्या निकालना है, NSS फंक्शन। इस सेल में हमने कैसा रखे, फॉर्मेट में जाएंगे, इसके अंदर देख सकते हैं मैथ एंड ट्रेप फंक्शन, इस ऑप्शन हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं कल हमने एशियन फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम आपको एशियन एस फंक्शन के बारे में बताएंगे। देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया है। नंबर यानी कि जो हमने ट्रैक कर रखा है हमें क्या लगाना है, रिटर्न द इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए नंबर, यानी कि हमें क्या निकालना है, वह संख्या जो हमने टाइप कर रखा है जिसके लिए हम इनवर्स हाइपरबोलिक साइन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे या हम जो वन लिखा हुआ है उसको हम टाइप करेंगे वन, ओके पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकला है। इसी तरह हम इक्वल क्या लगाएंगे, इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, एस एन एस फंक्शन देख सकते हैं। और हमारा पूरे सरल करेंगे नंबर यानी ये सेल A3 शिफ्ट के साथ क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकला है। हम दूसरा तरीका बताएंगे क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा टाइप करने में। इक्वल बराबर SMS देख सकते हैं, फॉर्म हमारा शो शुरू करेंगे नंबर यानी ये सेल A2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं सेम आंसर निकला है। हम इसको प्लस का निशान है इस पर भी करेंगे तो देख सकते हैं सभी का आंसर राज निकला है। आप स्वयं इसे चेक कर सकते हैं जो हमने पहला फॉर्मूला बताया है। अगला एग्जाम्पल हमें क्या निकालना है, डिग्री इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, डिग्री देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो शुरू करेंगे, एंगल यानी एस एन एस फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो शुरू करेंगे, नंबर यानी एस एल ए टू शिफ्ट के साथ क्लोज करेंगे, डिग्री डालेंगे क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं डिग्री सारा निकला है। प्लस का निशान है एंटर करेंगे तो देख सकते हैं सभी का आंसर निकला है। हमें डेसिमल डिक्रीज करना है, यहां से हम देख सकते हैं हमने डिक्रीज कर दिया है 50 डिग्री 172 डिग्री देख सकते हैं सभी का आंसर राइट है। अगला एग्जाम्पल शीट 2 पर पहुंचेंगे, नंबर इनवर्स हाइपरबोलिक साइन हमें निकालना है, इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, एस एन एस फंक्शन देख सकते हैं फोटो बारह सौ शुरू करेंगे, नंबर यानी ये सेल A2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है।
ये जो प्लस का लगा हुआ है इसमें भी करेंगे तो दे सकते हैं सभी का आंसर राइट निकला है। हम पंगा बरुआ लगाएंगे एरिया फंक्शन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितने लगाएंगे दे सकते हैं यहाँ पर मार्क का 5 मार्क का 3 मार्क का 1.5 और यहाँ पर प्लस में 1 2 हमें एवीएस का फॉर्मूला लगवाएंगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट कर लेगा एक बार बराबर कौन सा फंक्शन एक में एक फंक्शन देख सकते हैं फॉर्मूला बना सकते सॉल्व करेंगे नंबर यानी एवीएस फंक्शन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू देख सकते हैं फॉर्मूला बना सकते सॉल्व करेंगे नंबर यानी ए सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे ए सेल का ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं जो हमारे डेसिमल यहाँ पर शो हो रहा है वो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे ये जो प्लस का था फिर भी करेंगे तो देख सकते हैं सभी का आंसर प्लस में कन्वर्ट हो गया है जो मार्क्स का वैल्यू ले रहा था राइट आंसर है। अगर हम डेसिमल को डिक्रीज करना है तो देख सकते हैं यहां से हम डिक्रीज कर दिया हमने देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल थ्री पर पहुंचेंगे हमने क्या टाइप कर रखा है यहां पर नंबर हमें क्या निकालना है सम प्रोडक्ट इक्वल बराबर सम प्रोडक्ट फंक्शन दे सकते हैं और वाला तो शुरू करेंगे एरे वन एरे वन हमें क्या रहना यहाँ पर एस एन एच फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा थोड़ी शुरू करेंगे नंबर यानी एस एन ए वन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर से ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। अगर हम पूरे रन सिलेक्ट करें जैसे हमने ओनली ए वन सिलेक्ट किया है अगर हम शिफ्ट के साथ कॉलम साल लगाएंगे और हम लास्ट रैंक ए फोर दे सकते हैं एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है 6 पॉइंट राइट निकला है। तो डेसिमल डिक्रीज करना चाहे तो डेसिमल डिक्रीज भी कर सकते हैं यहां से अगला एग्जांपल सम प्रोडक्ट ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम रेडियल फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल बराबर एवरेज फंक्शन देख सकते हैं फॉलो हमारा थोड़े सुन करेंगे नंबर वन यानी कि एस एन एच फंक्शन देख सकते हैं फॉलो हमारा थोड़े सुन करेंगे नंबर यानी एस एन ए वन फिफ्टी स्टार पैकेट क्लोज करेंगे एवरेज का पैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं एवरेज वाला निकला है डेसिमल हम यहां से डिक्रीज कर सकते हैं यहां से या फिर हम पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे देख सकते हैं ए वन से फोर अब एंटर प्रेस करेंगे हम क्या करेंगे डेसिमल को यहां से डिक्रीज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल
T4 को पहुंच जाएंगे, वैल्यू हमें रिजल्ट निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर हम, इफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, इफ फंक्शन इस पर बराबर लगाएंगे, इस फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा सोए जरूर करेंगे, लॉजिकल टेस्ट यानी कि ये सेल ए टू के साथ ग्रेटर देन क्या बात करेंगे यहाँ पर जीरो, क्या करेंगे यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू जो हमने ये सेल सिलेक्ट किया है और ये सेल जीरो है, यदि ये सेल जीरो है तो हम क्या बात करें यहाँ पर फिर से यही सेल उसके लिए हम इस रेट पर मुर्गा यूज करेंगे, जिस सबसे सरल करेंगे नंबर ये सेल ए टू का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमन लगाएंगे, वैल्यू फाइव, अगर ये सेल नेगेटिव है तुम क्या बात करेंगे, तो या नेगेटिव है तो क्या बात करेंगे नेगेटिव, क्या करेंगे नेगेटिव शिफ्ट का एंड नंबर क्लोज, शिफ्ट का ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है, ये प्लस का आंसर सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है मार्क्स का टू, वहां पर नेगेटिव जो प्लस में वहां पर वैल्यू हो रहा है। अगला एग्जांपल इस पर बराबर कौन सा फंक्शन, एक फंक्शन ये सकते हैं हमारा सोए शुरू करेंगे, लॉजिकल टेस्ट ये सेल सिलेक्ट करेंगे ए टू शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन क्या बात करेंगे जीरो, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू, अगर ये सेल राइट है हम क्या करेंगे एन ए फंक्शन सॉरी ए सेल एड फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सोच शुरू करेंगे, नंबर यानी ए सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमन लगाएंगे, वैल्यू फाइव जो भाई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर टाइप है तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे एबीएस फंक्शन, कौन सा फंक्शन एबीएस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, नंबर यानी ये सेल ए टू या हमें यहाँ पर क्या बात है सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर से ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड का एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ये जो प्लस का निशान है शुरू करेंगे जहां पर नेगेटिव वैल्यू है वो देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स का टू यहाँ भी पॉजिटिव राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट पापर पहुंचेंगे नंबर हमें क्या निकालना है एक दिन एक फंक्शन यानी रिजल्ट निकालना है किसके साथ यहाँ पर हम एन फंक्शन का यूज करेंगे कौन सा फंक्शन एक दिन एक विद एन फंक्शन इस पर बराबर पहले हम इस फंक्शन का यूज करेंगे देख सकते हैं फॉर्म हमारा तो शुरू करेंगे लॉजिकल टेस्ट यानी कि एन फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा तो शुरू करेंगे लॉजिकल वन यानी कि इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ए टू शिफ्ट ग्राफ ग्रेटर देन क्या बात करेंगे जीरो देख सकते हैं ग्रेटर देन जीरो
एंड लेस देन 10। बहुत आएंगे लॉजिकल टू, फिर से ऐसे के टू लेस देन 55, क्या बात करेंगे 10। 55 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमन लगाएंगे वैल्यू ट्रू, अगर ये राइट है तो हम क्या बात करेंगे एस एम एस फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सोल्व शुरू करेंगे नंबर यानी एस एम ए टू, 55 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमन लगाएंगे वैल्यू 5, अगर ये रॉन्ग है तो क्या बात करेंगे पर हम आउट ऑफ रेंज, कैसे बात करेंगे 55 ओपन आउट ऑफ रेंज, 55 क्लोज, 55 ब्रैकेट क्लोज, की वर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकला है, ये जो प्लस का निशान है इसमें करेंगे देख सकते हैं, ये हमने प्लस का डबल किया तो हमारा आंसर पूरा यहां पर हो गया है, जो हमने कंडीशन लगाया है 0 greater than 0 तो देख सकते हैं अब वैल्यू हो रहा है लेस देन 10 तो देख सकते हैं अब आउट ऑफ रेंज। अगला आइटम पर हमें क्या निकालना है इंटीजर निकालना है हमें किसके साथ एन फंक्शन के साथ यानी कि ए से लेकर विद एन फंक्शन इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन एक फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा तो फिल करेंगे लॉजिकल टेस्ट यानी कि एंड फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सोवे शुरू करेंगे लॉजिकल फॉर्म यानी कि इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ए टू का ग्रेटर देन क्या पास करेंगे 0 कॉमन लगाएंगे लॉजिकल टू, अगर ये अभी हमने लेस देन कहते हैं ना यहाँ पर 10 57 पहले हम इस टाइप को सिलेक्ट करेंगे ए टू 57 लेस देन 10 कॉमन लगाएंगे लॉजिकल 3 अगर ये 10 फिर से सिलेक्ट करेंगे ए टू किसके बराबर यानी कि इस सेल के बराबर हम क्या बात करेंगे इंट फंक्शन यानी इंटीजर हमें निकालना है दे सकते हैं फॉर्म हमारा तो सोल्व करेंगे नंबर यानी ये सेल ए टू का बैकेट क्लोज करेंगे एन का बैकेट क्लोज कॉमन लगाएंगे वैल्यू ट्रू, अगर ये सेल राइट है तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे उससे पहले हम ए से नेक्स्ट फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा सोल्व शुरू करेंगे नंबर यानी ये सेल ए टू का बैकेट क्लोज करेंगे कॉमन लगाएंगे वैल्यू 5, अगर ये सेल रॉन्ग है क्या बात करेंगे इनवैलिड, कैसा करेंगे सबसे सारे ओपन इन वैलिड क्लोज सबसे सारे क्लोज इंटरप्रेस करेंगे दे सकते हैं आंसर निकला है, ये जो प्लस का निशान है इसमें करेंगे दे सकते हैं हमने जो कंडीशन लगाया है राइट आंसर निकला है, अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है या अच्छा नहीं लगा है तभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी एडवांस वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।